हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कुछ ऐसे बेसिक टर्म सीखे थे, एंड जैसे मैंने कहा था मेरा टॉपिक अभी चल रहा है अल्फ़ाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हम एक वर्ड पे रुके थे, एक कंसेप्ट पे रुके थे सॉरी, जिसका नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि ये किसी चैप्टर में आता है। ऑल्दो हमारे एनसीईआरटी में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड जो है वो चैप्टर थर्ड में गिवन है, बट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं, बिकॉज इसके बिना ना तो ऑर्गेनिक अच्छी हो सकती है, ना तो इनऑर्गेनिक और ना ही फिजिकल। तो ये जो वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है उससे हम बोलते हैं कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो वो अल्फ़ाबेट्स में आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ सीखने का ये मतलब है कि मतलब एक सीखने का और भी मतलब है कि रिडॉक्स में जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में निकाल रहे थे, तो बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उसे अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। तुम में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है इसकी डेफिनेशन पता हो, बट एक बार फिर से मैं बताता हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, बट इसको डिफाइन इस तरह करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी या कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ध्यान से सुनना फिर इसको नोट कर लेना, द टेंडेंसी और कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट्सेल्फ। किसी एटम की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अच्छा इसका पहले पीरियोडिक में ट्रेंड कैसा होता है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर पीरियोडिक टेबल आपने देखा हो तो देखो एक्सट्रीम जो राइट है उसमें 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, तो ये तो इनर्ट गैस है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा। तो फिर इसके बाद कौन आता है, 17 ग्रुप के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट कौन से होंगे, यही तो राइट में है। तो मैं कहूँ कि इसको हटा दिया तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम घटती है और लेफ्ट राइट बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन मिला आपको, फ्लोरीन। उसके बाद मैं क्लोरीन और ऑक्सीजन में बोल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद होता कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, मतलब एकदम बराबर वैल्यू नहीं होती लेकिन ठीक है। तो एक वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको, फोन। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो फोन याद रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या हेल्प मिलती है सीखने से, क्या सीखने को मिलता है, तो देखो जिससे मान लो आपने पढ़ा होगा, जिसे ये हाइड्रोजन दो एटम जुड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं सिंगल कोवेन बॉन्ड। कैसे बनता है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ने शेयर कर लिया एक एक, तो इसके भी कितने हो गए, दो, और इसके भी कितने हो गए, दो, और जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल दो शेयर करते हैं, तो उसके बीच में एक हम सिंगल बॉन्ड इस तरह दिखाते हैं, इसका नाम होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैं कहूँ कि दो जब सेम एटम है तो उनके बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जीरो। मतलब कि अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है उतनी दूसरे हाइड्रोजन की भी होगी, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो। इनकी वैल्यू बच्चों याद नहीं रखनी है, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होती है ऑलमोस्ट, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, बट आपको रिमेंबर नहीं रख याद नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है कि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एंड उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन।
तो मैं पूछूं कि इन दो एटम के बीच में डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो यू विल से कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो। तो जब एटम के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है तो उस बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? नॉन पोलर बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब एक फायदा ये है कि कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, उसके लिए बताते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? ये इससे फ़ायदा होगा कि हमें मॉलिक्यूल बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर करने में काम आता है, जो कि लेटर सीखेंगे, क्योंकि अभी हम पहली क्लास में सबको नहीं सीख सकते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ कि एच एफ बॉन्ड, ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? तो आप देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी क्या? नहीं, हाइड्रोजन तो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना। ये हाइड्रोजन आपका है, देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन, और एक्सट्रीम राइट में कौन है? फ्लोरीन, इन रोज करा दिया है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो डिफरेंस होगा तो देखो, डिफिनेशन, तो एक इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? दो। एक इस हाइड्रोजन ने शेयर किया है, एक इसने शेयर किया है। कैसे शेयर किया है आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक होता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। ये हीलियम जैसा बन जाएगा, ये नियॉन जैसा बन जाएगा। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देखो 7 में से इसने एक शेयर कर लिया, तो इसके टोटल कितने हो गए आप? 8। और इसके भी कितने हो गए? 2। ये हीलियम जैसा हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लास्ट क्लास में बताया था ना कि एलिमेंट क्या चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बिलोंग हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली कौन होती है? 18 ग्रुप एलिमेंट, यानी कि ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएं, या फिर हीलियम जैसा केवल हाइड्रोजन होना चाहता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 हो जाएं। तो एक एक से टोटल 2 शेयर किया है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक हाइड्रोजन का, एक फ्लोरीन का, और एक हाइड्रोजन का, मैंने दोनों से दिखा दिया। अब बताओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये कहेगा कि हमने शेयर तो कर लिया आपके साथ, मगर शेयर इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ रहेंगे क्योंकि ये वीक साइड में आ गया। तो इसलिए इसको हम ऐसे दिखाते हैं, एच, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन शेयर करके भी ज़्यादा खुश नहीं है। ओके, तो हुआ क्या कि जब शेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो इसकी तरफ थोड़ा नेगेटिव और इसकी तरफ थोड़ा पॉजिटिव आ जाता है। ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है। याद करो, NaCl में क्या होता है? जब NaCl होता है तो Na और Cl में 281, और Cl कितना होता है? 287। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसलिए ये बन जाता है Na प्लस, और यहाँ पे क्या था? Cl माइनस। इससे कौन सा बॉन्ड बोलते हो आप लोग? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड तो फिर पोलर ही होगा, क्योंकि जहाँ पे बन जाए चार्ज, दैट इज अ पोलर। तो ये बॉन्ड भी क्या है? ये भी पोलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जहाँ पर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो वो बॉन्ड पोलर हो जाता है। आई बात समझ में? जैसे मैं कहूँ आपसे कि OH बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। अच्छा, पूरे चार्ज क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तब पूरा चार्ज आएगा। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, इसे थोड़ा थोड़ा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गया उस पर नेगेटिव, जिससे गया उस पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये रोल होता है टू डिटरमाइन कि गिवन बॉन्ड इज अ पोलर और नॉन पोलर। ये इसका एप्लीकेशन हो गया ना। क्या एप्लीकेशन हो गया? टू डिटरमाइन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। ये सब बातें बच्चों आगे बहुत अच्छे सीखोगे। एक बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी हम कोई चैप्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें से सीख रहे हैं हम लोग। ओके, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में है रोल। अच्छा, बताना जरा मुझे, बताओ मुझे जरा, इसका नाम क्या है? F2O का नाम क्या है? अगर आप इसका नाम ये बोलते हो, सर इसका नाम है फ्लोरीन फ्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा इसका नाम क्या है? तो आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं पहले ऑक्सीजन लिखा है तो ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है। अब मॉलिक्यूल तो दोनों सेम है, हमने इसको बस रिवर्स कर दिया है। अब ये पेन है, इस तरीके से है, इसको मैं इसे उल्टा कर दूं तो क्या इसका नाम अलग हो जाएगा क्या?
तो फिर इसमें से एक ही नाम सेम है, सेम है, एक ही नाम करेक्ट है, कौन सा नाम करेक्ट होगा जरा बताना मुझे। इसका नाम फ्लोरीन ऑक्साइड होगा या ऑक्सीजन फ्लोराइड होगा, सोचना। तो नाम तो एक ही होगा बिकॉज मॉलिक्यूल सेम है, तो इसका नेम क्या होता है, इसके नेम को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से बताते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बाद में बोला जाता है। जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को बाद में बोलेंगे। तो ये नेम करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसे देखो बच्चों, इसको वाटर कहते हो लेकिन वैसे केमिकल नेम क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या इसको ऑक्सीजन हाइड्राइड बोल सकते हो, नहीं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड इज ओके, बट हाइड्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर निगेटिव देन हाइड्रोजन। तो छोटी छोटी चीज़ें भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से क्लियर होती हैं। आई बात समझ में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका नाम क्या है, तो इसको आप आयोडीन क्लोराइड बोलोगे, क्लोरीन आयोडाइड नहीं बोलोगे, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। अच्छा एक बात बताना मुझे, तो फिर पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट में वो क्या होंगे सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में ये है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अच्छा नीचे के एलिमेंट्स अभी रेडियो एक्टिव होते हैं, उनकी बात भी नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं केवल। और लास्ट की जो, तभी तो लास्ट लास्ट वाले को हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा होती है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तभी तो इनको नॉन मेटल बोलते हैं। और लेफ्ट वालों को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट वालों को, मेटल्स, ठीक है। हाँ एक तो ये फायदा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और इसका जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है रिडॉक्स में। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरी पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल सबको देखना है ओके, पूरी पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा एलिमेंट है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता है, ठीक है। विच एलिमेंट कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एलिमेंट कौन सा है टेल मी, आपको सबको पता है इसका आंसर, फ्लोरीन, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी है, इसलिए ये तो निगेटिव ही शो करेगा या जीरो शो कर सकता है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव तो कभी शो नहीं करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद दूसरा एलिमेंट कौन है इसके बाद जो निगेटिव शो करता है, दैट इज इसके बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इज द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट विच शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ा सा कम अच्छी है, ओके। सो बट अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों साथ मिले हों, जैसे मैं बोलूं कि F2O, बताओ इसमें ऑक्सीजन की क्या स्टेट आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, तब तो इसको इलेक्ट्रॉन खोने पड़ेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए देखो मैं पूछूं इसमें ऑक्सीजन क्या स्टेट है, तो फ्लोरीन की क्या लोगे, -1, तो 2 × 2 -1। फ्लोरीन की -1 क्यों ली सबको पता है ना, क्योंकि फ्लोरीन का स्टेट होता है 2.7, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, याद है मैंने कल बताया था। तो इट विल बी F-2.8, तो ये 2 × -1 प्लस ऑक्सीजन की हमने क्या मान ली, एक्स। इस पूरे कंपाउंड में क्या चार्ज दिख रहा है, जीरो, तो इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +2। ये किसकी स्टेट है, ऑक्सीजन की, क्योंकि हमने माना था लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आ गई पॉजिटिव। तो अगर मैं एक जनरल सी बात बोलूँ कि
कि ऑक्सीजन कब पॉजिटिव स्टेट शो करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या बोलोगे कि जब ये फ्लोरीन से जुड़ा होगा, क्योंकि बाकी सबके साथ तो इसकी नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट होगी, है ना। तो जब कोई एलिमेंट अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होता है तो उस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव आती है, और जब अपने से कम जुड़ा होता है, जब कोई एलिमेंट अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होगा तो उसकी स्टेट फिर नेगेटिव आएगी, ठीक है। ऑल्दो ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आ जाएगा। इसलिए अच्छा बताओ, बाकी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से जुड़े हैं तो उनकी स्टेट क्या आएगी, तब तो ऑक्सीजन की नेगेटिव आएगी, तो अदर एलिमेंट की क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है HClO, HClO2 और HClO3 में Cl की स्टेट बताओ, तो ऑक्सीजन स्टेट बताओ, तो हाइड्रोजन की क्या लगेगी, जनरली प्लस वन, क्योंकि हाइड्रोजन से तो ज़्यादा दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं तो प्लस वन। हाइड्रोजन की प्लस टू क्यों हो सकते हैं, अरे यार इसकी आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो क्लोरीन की निकालनी थी, क्लोरीन की एक्स मान ली। ऑक्सीजन की क्या लूँ, माइनस टू, इक्वल टू क्या कर दूँ, जीरो, एक्स कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस वन, एक इसका हो गया। अब इसका आंसर देखो, फिर से हाइड्रोजन की प्लस वन, क्लोरीन की एक्स और टू इंटू माइनस टू। ऑक्सीजन की माइनस टू क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली तो इसको माइनस टू ही होती है, टू कॉमा सिक्स, तो कितना आ गया है, माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इट विल बी ओ टू माइनस, देन इसके आंसर क्या आएगा, माइनस टू, ठीक है, ओके। तो इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा, प्लस थ्री। अब बताओ यहाँ पे क्लोरीन की प्लस वन आई, यहाँ पे क्लोरीन की प्लस थ्री आएगी, आप लोग निकाल के देखना ये प्लस फाइव आएगी। तो क्लोरीन की पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव और जो देता है उस पर पॉजिटिव, ओके। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, अब थोड़ा सा और डिटेल से ना, देखो मैंने, अच्छा आपको ये तो क्लियर है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने के बाद जो चार्ज डेवलप होता है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट आएगी, जो देगा उस पर पॉजिटिव आएगी, और जो नहीं लेगा नहीं देगा उस पर जीरो आएगी। जैसे मैं तो आपसे कहूँ कि H2 में H की स्टेट बताओ, तो हाइड्रोजन की X मानोगे, कितने हाइड्रोजन है, दो, तो 2X हो गया, टोटल चार्ज कितना आएगा इस पर, जीरो, तो 2X इक्वल टू जीरो, X इक्वल टू जीरो। तो एलिमेंटल स्टेट में जब एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं तो वहाँ पे डोनेशन नहीं होता है, तो फिर वो ना लूज किया ना गेन किया तो वो जीरो हो गया। मैं आपसे कहूँ कि N2 में N की स्टेट क्या आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, तो N की X मान लिया, तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ अब देखो, अच्छा मैं आपसे पूछूँ, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी पूरे की स्टेट क्या है, आप बोलोगे पूरे की तो जीरो है क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मैं कहूँ कि ये अमोनिया है, इस पर टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस पर टोटल चार्ज कितना है, जीरो। मैं कहूँ कि Fe2+, इस पर क्या इसकी ऑक्सीजन स्टेट है, यू विल से प्लस टू, इसको बोलते थे फेरस। ये क्या है Fe3+, इसकी स्टेट क्या है, प्लस थ्री, ओके। अच्छा मैं पूछूं आपसे कि साइनाइड, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, माइनस वन। ये कैसे याद रहेगा साइनाइड, तो ये कंपाउंड था सोडियम साइनाइड, तो ये कैसे टूटेगा, Na+, Cn-, तो इसकी माइनस वन हो गई, जो चार्ज होता है दैट इज ऑक्सीजन स्टेट। तो ये सब ध्यान रख सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, K4 FeCn6, अब इसका नेम याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे नेम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये कंपाउंड है। मैं आपसे पूछूं कि इसमें आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा पोटेशियम किस ग्रुप का है, इसकी स्टेट क्या होती है, तो एल्कली मेटल्स, मैंने कल बताया था एल्कली मेटल्स की स्टेट केवल प्लस वन हो सकती है, ये ग्रुप वन के एलिमेंट है तो इनकी स्टेट क्या हो सकती है, प्लस वन। इसको याद रखना, लीना कमला रूबी सीला फ्रॉक पहनती हैं, इनकी स्टेट प्लस वन आएगी।
ये बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी या रोए, जो भी है देख लेना आपके फादर क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी, तो इसकी स्टेट क्या आएगी? प्लस टू। ठीक है, इनके जो बीच में एलिमेंट है ना बच्चों, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांस एलिमेंट है, इनके स्टेट हमेशा निकालने को बोलता है, तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। और इनकी भी रेंज होती है, इसमें किसको याद रखने की जरूरत है? फ्लोरीन की क्या बताया मैंने? -1। ऑक्सीजन की क्या बताई? -2। नाइट्रोजन की क्या हो सकती है जनरली? -3। कैसे? 15 ग्रुप का है तो आउट ऑफ मोस्ट में 5 होंगे, तो 2.4, सॉरी 2.5, तो ये 3 लेगा तो -3। लेकिन सोचो एक फ्लोरीन है जिसकी -1 होती है, प्लस नहीं हो सकती, बाकी सबकी प्लस हो सकती है अगर वो फ्लोरीन से जुड़े हैं तो। ठीक है, मैंने सारी बातें बता दी आपको। ओके, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि पोटेशियम की क्या है? एल्कली मेटल्स है, इसकी +1 होगी, तो 4 पोटेशियम की +4। आयरन की हमने क्या मान ली? एक्स। और साइनाइड की क्या लेना था? -1, तो 6 × -1 = 0, तो एक्स कितना आ गया? +2। इसकी स्टेट क्या आ गई? +2। +2 का मतलब क्या हुआ? गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताना जरा। लॉस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद प्लस आता है और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे आपसे NiCO का होल 4, बताना जरा इसमें निकल के ऑक्सीजन स्टेट क्या है? तो क्या मान लो इसकी ऑक्सीजन स्टेट? एक्स। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल एज एक्स। कार्बन मोनोऑक्साइड के पूरे की क्या लोगे? 0, तो 4 × 0 = 0, तो x = 0। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जब तक, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अल्फाबेट्स ऑफ केमिस्ट्री मतलब नॉलेज ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, तो आप ये कहोगे सर हमको एलिमेंट्स तो बहुत सारे याद हैं, कंपाउंड भी बहुत सारे पता हैं, तो हमें तो पूरी अल्फाबेट्स की नॉलेज है, तो फिर अल्फाबेट्स क्यों पढ़ रहे हैं? नो, मैंने कहा था कि जब आप किसी एलिमेंट से मिलो तो वो आपको बता सके कि मेरे मेरे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने लूज कर सकता है, कब गेन कर सकता है। ये सब चीज़ें अगर इंटरेक्ट करोगे एलिमेंट से, इंटरेक्शन करोगे एलिमेंट से कि वो किस ग्रुप में रहता है, तो देखना आपको ऐसे लगेगा कि एनसीईआरटी में बुक में क्या लिखा है, सारी नॉलेज तो हमको ऐसे ही है। ठीक है ना? तो जैसे देखो कैसी नॉलेज होनी चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बहुत ध्यान सुनना, और पीरियोडिक टेबल सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में एक पेज में पीरियोडिक टेबल को जरूर बनाएंगे, बिल्कुल मैंडेटरी है ये। ठीक है, देखो आपने कहा ग्रुप 1 की स्टेट +1 होती है, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इनकी +1 स्टेट होगी। सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, क्योंकि नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इसलिए सीजियम सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। इनको नहीं कंसिडर करना क्योंकि बिकॉज दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट है ग्रुप 2 की स्टेट क्या होगी? +2। इनकी जरूरत नहीं याद करनी। ग्रुप 13 का मतलब क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। और ग्रुप 3 का मतलब भी क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, मगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ये कॉम्प्लीकेट होते हैं, इसलिए इनकी निकालनी होती है। कोई पैनिक नहीं है। यहाँ पे देखो तो ग्रुप 13 की जनरल स्टेट क्या होगी? जिसके आउटर मोस्ट 3 हो, +3 होगी। अब जब ग्रुप 14 की बात आई तो इसके आउटर मोस्ट में तो 4 है, तो इसका कॉन्फिग्रेशन क्या होगा? 2.4। अच्छा, इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, है ना, ग्रुप 14 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन के आउटर मोस्ट में इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसमें 8 जोड़ दो तो ये नीचे आ गया 14। अगर पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें 1 बार 8, 2 बार 18 18 और 1 बार 32 जोड़ करके नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी 4 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर 4 ज़्यादा, तो 1 बार 8 जोड़ दिया, ये मैजिक नंबर एक तरीके से हो गया। फिर क्या जोड़ो? जोड़ा है 18, तो 32 आ गया। फिर 18 जोड़ रो तो 50 आ गया, और फिर 32 जोड़ रो तो इट विल बी 82। ठीक है, अच्छा, इसका 2.4, ये 2.84, तो इनके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में? 4। तो इसलिए इनकी ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है फ्रॉम +4 to -4। अगर 4 गेन करेंगे तो -4, और 4 लॉस करेंगे तो +4। ये याद याद रखना है,
एकदम परफेक्ट नहीं याद रखना कि इसकी प्लस फोर ही होगी माइनस फोर ही होगी, इनके बीच में या ये हो सकती हैं, लेकिन ग्रुप वन के एलिमेंट की स्टेट प्लस वन ही याद रखना है आपको, और ग्रुप टू की प्लस टू, प्लस वन प्लस टू, ये नहीं भूलना है, ठीक है ना। लिथियम सोडियम पोटेशियम इनकी प्लस वन इनकी प्लस टू। ओके चलो बातें हैं ग्रुप 15 में, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। देखो क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो बीमारी होंगे सब, ठीक है। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। फिर इसके बाद पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 ज्यादा है तो इसके बाद 8 जोड़ो तो 15, फिर इसके बाद 18 जोड़ो तो दिस विल बी 33, दिस विल बी 51 एंड 83। तो इसके आउटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2.5, 4.5, जिसके आउटम्स 5 होते हैं उसको बोलते हैं पेंटा वैलेंट, और इनके आउटम्स कितने थे, 4, दिस इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंट। ये है केमिकल टॉकिंग, मतलब हमें सब इस तरह बोलना आना चाहिए कि ट्राई वैलेंट का क्या मतलब है, तो बोलो कि जिसके आउटम्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि वो 3 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, इसलिए वो ट्राई वैलेंट है, ये टेट्रा वैलेंट, दिस पेंटा वैलेंट। ओके चलो इनकी ऑक्सीजन स्टेट की रेंज क्या है, तो जिसके आउटम्स 5 है वो या तो 3 लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर 5 लूज करेगा, जैसे फास्फोरस है बेचारा, तो ऑक्सीजन इसकी वैरी करती है -3 to +5। देखो जैसे फास्फोरस है ये होता है 15 to 8 5, तो इसको 3 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या 5 लूज कर दे तब भी आउटम्स में 8 रह जाएंगे, हैप्पी फैमिली को बिलोंग कर जाएगा, इसलिए इसकी स्टेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, -3 to +5। अब आ जाओ 16 ग्रुप में, 16 ग्रुप में बात करें तो उससे टीपो, ये आपके लिए है। तो आउटम्स कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसके बाद 8, इसका एटॉमिक नंबर 8, फिर 8, 18, 18, 30 जोड़ के नीचे पता कर सकते हो आप लोग, तो 2.6 2.8 6, ठीक है। तो कहाँ से कैसे वैरी करेगा, या तो ये 2 लेंगे या 6 लूज करेंगे। ओके तो वेरीज फ्रॉम -2 to +6। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो -2 होता है, तो ये सभी के लिए नहीं है, मतलब इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, कम से कम एक हमें पास इंफॉर्मेशन तो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किस ग्रुप की यहाँ तक वेरी कर सकती है। इसी तरह बताओ मुझे ग्रुप 17 की कैसे वेरी करेगी, ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 जो है वो है आपका फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो 2.7 इसका एटॉमिक 9 होता है, 8 जोड़ दीजिए 17 आ जाएगा, तो 2.87, तो इसके आउटमस में होते हैं 7, या तो ये 1 लेगा या फिर 7 को लूज कर सकता है, तो इसलिए सीएल की स्टेट क्या आ गई, सॉरी इसलिए जनरल स्टेट क्या होगी, -1 to +7। तो जल्दी जल्दी ग्रुप 1 की स्टेट +1, ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 13 की जनरली +3, ग्रुप 14 की वेरी फ्रॉम -4 to +4, ग्रुप 15 की वेरी फ्रॉम -3 to +5, ग्रुप 16 की वेरी फ्रॉम -2 to +6 एंड ग्रुप 17 की वेरी फ्रॉम -1 to +7। जिस ठीक है, जैसे मैंने कल भी बात कही थी कि आपको राह चलते क्लोरीन मिल जाए, तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देगा कि आई एम क्लोरीन, आई बिलोंग टू 17 ग्रुप, आई हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, सो माई मिनिमम ऑक्सीजन नंबर इज -1 एंड माई मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर इज +7। आई कैन शो बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट बिकॉज देयर आर टू मोर एलिमेंट्स विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मी, एंड वॉट आर दे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, दिस इज कॉल्ड केमिकल टॉकिंग, ठीक। ओके चलो, तो काफी इंफॉर्मेशन मिली आप लोगों को, इस तरीके से चीजों को तैयार करना चाहिए। होपफुली टुमारो वी कैन वी वी विल स्टार्ट थिंग्स रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट, राइट। ओके चलो, तो अब आप लोग, अच्छा बताओ एक बात और, ये सब पॉइंट्स हैं, हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है आपका, मैंने कहा था कि एक लूज कर सकता है गेन कर सकता है, तो जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा होगा, तो इट हैज़ टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तब इसकी स्टेट क्या आएगी, +1
प्लस वन या हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा है तो इसकी स्टेट क्या आएगी, प्लस वन, या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसकी स्टेट क्या आएगी, प्लस वन। ठीक है, ओके। बट अगर हाइड्रोजन जुड़ा है सोडियम से तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। एक बार फिर से देखो पीरियड टेबल, सारी इंफॉर्मेशन है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। तो फिर सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन ना, तो फिर हाइड्रोजन खींचेगा ना सोडियम से, तो फिर इसकी माइनस वन और सोडियम की तो प्लस वन ही होनी है। अगर हाइड्रोजन जुड़ा है मैग्नीशियम से, ठीक है, तब भी हाइड्रोजन क्या आएगी, माइनस वन। तो एक बात मैं कहता हूं, जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा मेटल से तो मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हाइड्रोजन की माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। और जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा नॉन मेटल से तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हाइड्रोजन की प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया दिया फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन की प्लस वन ही होती है, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं चाहता तो एक एक पॉइंट लिखवा देता कि इनकी स्टेट ये होती है, उनकी स्टेट ये होती है, लेकिन मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, ऐसे समझने पे फोकस करना चाहिए। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बातों पे आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये आपको, ये सभी लोग सॉल्व करके मुझे इसके आंसर पर्सनली सेंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, ठीक है। HClO4 में Cl के बताना है, A, B पार्ट, SO42 माइनस में सल्फर की बताना है, C, Cr2O72 माइनस में Cr की, D, H2S2O7 में S की, Al2SO4 होल थ्राइस में सल्फर की, ओजोन O3 में O की, एंड CrO5 में Cr की, H2S2O8 में S की, H2SO5 में सल्फर की, ठीक है। इतने मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, इसमें जो अंडरलाइन एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन इसके बतानी है। अब आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों में, ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं हम लोग, है ना, और उसी के बहाने हमारा एक चैप्टर की बात भी हो जा रही है, तो ये और अच्छी बात है। जरा इनके नाम बताना बच्चों, K2O, K2O2, KO2, इनके नाम बताओ। चलो तुम में से कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत की और बता दी सर इसका नाम पोटेशियम ऑक्साइड है, फिर आप कहोगे इसका नाम डाई पोटेशियम डाइऑक्साइड है, इसका नाम पोटेशियम डाइऑक्साइड है, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा ये गलत है, क्या नाम है इनके। अब मतलब आप समझ सकते हो कि क्या एम चल रहा है हमारा, हम चाहते हैं कि आप पहले छोटी सी बातें सीखो। अगर मान लो हमको मॉलिक्यूल के नाम नहीं पता है, जितने रूल्स हो सकते हैं, तो फिर हम क्या काम सीखेंगे चैप्टर, हमको क्या केमिस्ट्री आएगी, कुछ नहीं आएगी। जनरल बातें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कंपाउंड के नाम कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट से डिसाइड होते हैं, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप सीख रहे हो। आप क्या करो, आपको पता है कि पोटेशियम तो ग्रुप वन का एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज होने से रही, तो आप यहां पर तीनों कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, और माइनस ही आएगी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट, लेकिन क्या आएगी, देखो इसमें मैंने ऑक्सीजन की स्टेट निकाली, तो पोटेशियम क्या लेना, प्लस वन, तो टू इंटू प्लस वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, ठीक है। और ये आ जाएगा टू इंटू प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी, ठीक है। यहाँ पे की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन, सॉल्व करके देख लो, टू एक्स। और यहाँ पे देखो पोटेशियम की प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाई टू। अब ये तीनों ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट हैं,
ये बात कीप इन माइंड कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट कैन बी जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन और कैन बी एनी इंटीजर और नंबर, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है फिर, जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है, जैसे आपने वाटर का नाम क्या बताया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम क्या बताया आप लोगों ने, हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर 2 × +1 हाइड्रोजन की प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कितना आ गया -2, ठीक है -2 आ गया। तो जब ऑक्सीजन की स्टेट -2 होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्स, उसको लास्ट में ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका नाम तो पोटेशियम ऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 होती है तो उसे बोलते हैं परऑक्साइड। आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है सब कुछ, परऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1/2 आ जाए तो वो कंपाउंड का नाम होता है सुपर ऑक्साइड। सोचो, ऑक्सीजन के भी कई सारे नाम है जैसे अर्जुन के नाम थे, सुपर ऑक्साइड। ओके, देखो कैसे, पहले -2 थी उसका हाफ -1, उसका हाफ -1/2, तो इसका नाम क्या, देखो पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इस तरह नाम नेम होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ Na2O2 का नाम क्या है, तो कैसे बताओगे, तो ये है स्टेट निकालो पहले, तो सोडियम की तो +1 लेना है, +1 2x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -1, तो इसका नाम है सोडियम परऑक्साइड, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, बताना मुझे इसमें से कौन परऑक्साइड, विच वन विच इज या ऑब्लिक आर परऑक्साइड, ठीक है। देखो पहचान कौन कौन है ये एलिमेंट, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूँ PbO2, BaO2 एंड CO2 एंड CaO2, बताना इसमें परऑक्साइड कौन है। ये क्वेश्चन एक बार जेई में भी आया था बच्चों, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ऑक्सीजन स्टेट में अभी हम और काम करेंगे, फिर इसके बाद देखो एक बात सुनो ध्यान से, हम लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। याद करो बच्चों, हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में बैलेंसिंग सीखा था, लेकिन वो बहुत ही सिंपल तरीका था बैलेंस करने का, उससे हम सारी इक्वेशन बैलेंस नहीं कर सकते हैं। और जब तक बैलेंसिंग नहीं हमको आएगी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो हम मोल कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते। मैंने एक बात कही थी कि बिना रिडॉक्स के मोल कंसेप्ट को उतना अच्छे लेवल में नहीं समझा सकता है। इस वजह से नाउ वेरी सून नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग सीखेंगे और ऑक्सीजन स्टेट में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट से हमको ये पता चलता है कौन सा एलिमेंट कितने लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कितने गेन कर रहा है, कौन सा परऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, एंड सो ऑन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको इकट्ठा करनी है अपने साथ, ठीक है। टिल देन अच्छे से पढ़ो, इन्जॉय करो, और मुझे इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करना। जिसके पास वीडियो ना पहुंचे मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। ओके 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 बच्चों, ऑल द बेस्ट।